दोस्तों यूं तो हमें साउथ इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक धाकड़ फिल्में देखने को मिली हैं, पर शायद ही किसी फिल्म में अब तक साल 2007 में आई डॉन फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा हो, जिसकी कहानी दो दोस्त के प्यार भरे रिश्ते पर आधारित थी, जिनमें एक दोस्त डॉन माफिया के हाथों मारा जाता है, जिसका बदला उसका जिगरी दोस्त लेता है। बस यही कहानी दर्शकों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं बल्कि इस फिल्म में नजर आए कुछ कलाकारों और उनके रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए देर किस बात की है, रूबरू होते हैं उन कलाकारों और उनके रियल लाइफ पार्टनर से। नंबर वन, चेतन हंसराज। फिल्म में एंथनी विलन का नकारात्मक किरदार निभाते हुए अभिनेता चेतन हंसराज नजर आए, जिन्होंने अपने नकारात्मक किरदार से लोगों का फुल एंटरटेनमेंट किया। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम है लावण्या परेरा, जिनसे इन्होंने साल 2004 में शादी की थी और आज 16 साल के बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक मॉडल हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर टू, नासर। इस फिल्म में अभिनेता नासर ने कमिश्नर की भूमिका निभाई थी, जो कि एक सकारात्मक भूमिका थी, जिसे निभाने में उन्होंने अपना पूरा 100% दिया। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम है कमीला नासर, जिनसे इन्होंने काफी सालों पहले शादी की थी। इससे शादी से इन्हें 3 बच्चे भी हैं, जिनका नाम है लुत्फुद्दीन, अभी मेहदी हसन और नूरुल हसन फैसल। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक पॉलिटिशियन है, जो लोकसभा की तरफ से भाजपा पार्टी का नेतृत्व करती हैं। नंबर थ्री, निकिता ठुकराल। इस फिल्म में अभिनेत्री निकिता ठुकराल ने नंदिनी का किरदार निभाया, जो कि राघव की प्रेमिका का किरदार था, जिसे इन्होंने काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा और फेमस हो गई। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा के रियल लाइफ हस्बैंड के बारे में, तो आपको बता दें इनके पति का नाम है गगनदीप सिंह मांगो, जो कि प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इस फील्ड में काफी नामी हैं, जिनसे इन्होंने साल 2016 में शादी की और इस शादी से इन्हें एक बेटे का आशीर्वाद भी मिला है। आज ये अपने पति और क्यूट बेटे के साथ मुंबई में रहती हैं। नंबर फोर, अनुष्का शेट्टी। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर अनुष्का शेट्टी ने प्रिया माथुर का किरदार निभाया, जो कि सूर्या की प्रेमिका होती हैं। हालांकि ये शुरू में तो सूर्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर बाद में वो इनसे प्यार कर बैठती हैं। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के रियल लाइफ पति के बारे में, तो आपको बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर एक समय इनका नाम 2 शख्स के साथ जुड़ चुका है, जिनमें पहला नाम है डायरेक्टर कृष का, दूसरा है बाहुबली फिल्म में नजर आए अभिनेता प्रभास का। हालांकि इन दोनों के ही अफेयर्स रूमर साबित हुए। नंबर फाइव, केली दोरजी। फिल्म में अंडरवर्ल्ड माफिया फिरोज स्टीफन के खलनायक के किरदार को भला कोई कैसे भूल सकता है। यही तो वो किरदार था जिसने फिल्म की कहानी को चटपटा बनाया और इसी खूबसूरत किरदार को पर्दे पर पेश किया केली दोरजी ने। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर हाँ एक समय ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, और आपको बता दें वो कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता थी। ये दोनों एक दूसरे से काफी शिद्दत वाला प्यार करते थे, पर लारा दत्ता ने इन्हें चीट किया और बिजनेसमैन महेश भूपति के साथ शादी रचा ली, और लारा दत्ता से धोखा खाने के बाद अभी तक इन्होंने किसी के साथ घर नहीं बसाया है। नंबर सिक्स, अक्किनेनी नागार्जुन। फिल्म में डॉन सूर्या का मुख्य किरदार निभाते हुए अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन नजर आए, जिनका किरदार राघव के भाई और प्रिया माथुर के प्रेमिका था, जिसे इन्होंने खूबसूरती से निभाया। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो आपको बता दें इनकी पत्नी का नाम है अमला अक्किनेनी, जिनसे इन्होंने साल 1992 में शादी की है। आज इनसे एक बेटा भी है, जिनका नाम है अखिल अक्किनेनी। आपकी जानकारी के लिए बता दें इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक अभिनेत्री हैं, जिन्होंने शिवा, पुष्पक विमान और मनन जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अमला अक्किनेनी से शादी करने से पहले लक्ष्मी से शादी की थी, पर ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और तलाक हो गया। तो दोस्तों आपने इस फिल्म को लास्ट टाइम कब देखा था, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।